यस हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस क्लास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे प्रीवियस क्लास में भी अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स इससे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर चुके थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी चार्ज, एक स्टेशनरी चार्ज, उस चार्ज की इफेक्टेंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेशन और जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने एक्सप्लेन किया था। और वो चार्ज किसी मीडियम में से डायलैक्ट्रिक मीडियम के अंदर, पोनरेबल मीडियम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होने वाले इफेक्ट्स के बारे में भी अपने स्टडी की थी। अपने इंट्रोड्यूस किया था मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है कि मैग्नेटोस्टैटिक्स फील्ड कौन सा फील्ड होता है? द फील्ड जनरेट बाय द मूविंग यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस और इट एक्सपीरियंस बाय ओनली अनदर मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्टेशनरी चार्ज इज जीरो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड द फोर्स ओनली मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस कॉम्बिनेशन की स्टडी अपन कर रहे हैं और ये मूविंग चार्जेस इज कंसिडर एज ए फिजिकल क्वांटिटी इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन द करंट। तो अपन मूविंग चार्जेस सिस्टम को या अपन यूनिफॉर्मली जो मूविंग चार्जेस सिस्टम को अपन करंट सिस्टम या करंट सोर्स के रूप में एज्यूम करके इसका अपन स्टडी करेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स में कि एक मटेरियल की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का क्या रीजन होता है, जिसे मैंने बताया कि कुछ टाइप के नेचुरली मेटल्स हैं विच आर हैव द परमानेंटली मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। से अर्थ कोर इज ऑल्सो बी हैव कंसिस्ट मैनी टाइप ऑफ मैग्नेटाइज्ड मेटल्स। तो अर्थ इज ऑल्सो बिहेव ए नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का रीजन क्या है कि उसमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एटम में क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन मानते हैं, और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट्स में। तो रिवॉल्विंग चार्ज इज मे बी कंसिडर एज ए करंट। तो मीन ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव द करंट लूप और उस करंट लूप के कारण फील्ड जनरेट होता है, इसलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है। लेकिन जब अपन पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म सीरीज का सेपरेटली एक्सप्लेनेशन करते हैं तो देखें उस कंडीशन में अपने पास डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पोसेस करने वाले कौन से मेटल्स होते हैं जिनमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयरिंग, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मीन्स द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ईच अदर कैंसल इट्सेल्फ इफेक्ट। दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर ऑपोजिटली रिवॉल्व और ऑपोजिटली स्पिन कंसिस्ट करते हैं तो उसके जो टुगेदर इफेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इन दिस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग आर ऑल्सो बी कंसिस्ट बट इन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पेयरिंग फॉर्म सो दे आर क्या करते हैं, कैंसल ईच अदर इफेक्ट। दो दीज टाइप मेटल्स आर बिहेव एज डायमैग्नेटिज्म। कुछ मेटल्स होते हैं इसमें लास्ट में अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी जो ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशंस है उसके कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पोसेज होता है और वो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। फेरामैग्नेटिज्म में
उसमें लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजिट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डी ऑर्बिट वाले, एफ ऑर्बिट वाले, लास्ट नंबर ऑफ अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वो लार्ज अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एक डोमेन रीजन बन जाता है, एक हाई मैग्नेटाइज्ड रीजन बन जाता है, जिनका हाईली मैग्नेटाइजेशन एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मतलब यदि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्शन फोर्स इन जनरल कंडीशंस आल्सो वी हैव द अनमैग्नेटाइज्ड, बट व्हेन दीज आर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स अलोंग टू लाइन लाइन अप ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स या लाइन अप ऑफ द डोमेन्स, दीज आर हाईली मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, दीज आर नोन द फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का रीजन उसमें कंसिस्ट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब मूविंग चार्जेज होता है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स लिंक है टू द मूविंग चार्जेज सिस्टम्स। तो अपने इसी प्रीवियस क्लास में बायो सावर्त लॉ, इसे कुछ डेफिनेशंस, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन सब का एक्सप्लेनेशन करने के बाद में मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग टू ए लाइन या वायर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण इंड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बायो सावर्त लॉ डिफाइंड किया था। बायो सावर्त लॉ, जिसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पी पर इंड्यूस करंट का एक्सपेंशन अपने कंप्लीट किया था, और वो अपने पास में लिख रहा हूँ, कंप्लीट डेरिवेशन शायद हो चुका था। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लाइन इंटीग्रेशन में I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी लो कर देते हैं। सो लाइन अभी तो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन डीएल है, इस इंटीग्रेशन को अपन वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं किस बेस पर, तो अपने मान लें कि करंट एलिमेंट जो dl लेंथ का है इज लोकेट एट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आवर ऑब्जर्वेशन एट कोऑर्डिनेट एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड एक्स माइनस एक्सिस, ऐसा लिखें, फिर i इज द फंक्शन ऑफ एक्सिस। तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x लिखें, एक्स पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट है, यहां मैं आई डीएल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स डैश क्रॉस आर की जगह एक्स माइनस एक्स डैश वेक्टर में, ना कि स्केलर में, मॉड नहीं लिया मैंने, अपॉन एक्स माइनस एक्स डेस का क्यूब। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर्म में अपन बायो सावर्त लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर अपन इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले मैं आपको यहां लाइन इंटीग्रेशंस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन टर्म में चेंज करने के लिए, देखो मैं आई डी एल क्या बता रहा है, पर यूनिट लेंथ, यहाँ करंट आई है, करंट मैग्नीट्यूड बता रहा है मैं, यदि आई में उसे क्रॉस सेक्शन ए का डिवाइड दे दें और ए डी एल कर दें, ए डी एल इज द वॉल्यूम एंड आई अपॉन ए क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल का डिवाइड दे तो इज देन द करंट डेंसिटी जे। तो मैं आईडीएल को जे डी टॉ फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहां कोऑर्डिनेट फॉर्म में जे एक्स डैश का
तो वी एक्स म्यू नॉट 4 पाई। जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश का क्यूब और इंटीग्रेशन डी थ्री एक्स डैश लिख देता हूँ। डी टॉप वॉल्यूम एलिमेंट को अपन एक्स डैश कोऑर्डिनेट में एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका जनरलाइजेशन है बाय साउथ लॉ का इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसको अपन एक स्पेशल फॉर्म में ताकि अपन इसका आगे मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अपना टॉपिक अपन ले लेते हैं मैग्नेटो स्टैटिक्स इक्वेशन, मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन। दो मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन डिफाइंड किए जाते हैं जो अपन इस बाय साउथ लॉ के फॉर्म को ही चेंज करके फाइंड करेंगे। इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म और एम्पियर लॉ इससे और ड्राई करेंगे अपन। तो उससे पहले मैं मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन ड्राई करता हूँ। तो ये जनरलाइज नोटेशन ऑफ द बाय साउथ लॉ है। अपने एक वैक्टर आइडेंटिटी से डेल अपोन एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यूब, लिख सकते हैं सर। अपन देखें एक्स डॉस एक्स डैश को अपन एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डैश की जगह नेगेटिव और नेगेटिव चेंज, तो पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। तो अपने पास नेगेटिव भी क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं बी ओप एक्स इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, म्यू नोट 4 पाई। यहाँ पर आ गया जी। तो पहले मैं डेल वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश इसको यूज कर लिया और यहाँ नेगेटिव साइन को अपने क्रॉस में वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करके कंपेंसेट कर दिया। अब अपन एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसके थ्रू अपने पास इस डेरिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस जे एक्स माइनस एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश यहाँ जे वेक्टर में है और वन पर एक्स माइनस एक्स डैश स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ए फाई मतलब एक वेक्टर है और एक स्केलर है, दोनों का प्रोडक्ट का कर्ल है, ठीक है। तो वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वेक्टर ए और फाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहां ए कोई वेक्टर है फाई कोई स्केलर है, तो फाई बाहर आता है डेल क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए, ये वेक्टर आइडेंटिटी होती है।
इस वेक्टर आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करें, जिसमें ए तो है जे, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टी से फाइव इसके अंदर, तो डेल क्रॉस जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश तो डेल क्रॉस जे एक्स डैश प्लस डेल वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश क्रॉस जी एक्स डैश फॉर लीनियर करंट डेंसिटी फ्लो कर्ल ऑफ जी स्टडी स्टेट कंडीशन में कह सकते हैं अपन लीनियर ब्रूलियन फ्लो ऑफ करंट ई टेक डेल क्रॉस जे एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो, जे इज अ नॉट फंक्शन ऑफ द एक्स, डेल इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब राइट साइड में फर्स्ट टर्म टू जीरो, तो मतलब यहां अपने पास इस ब्रैकेट में क्या है डेल वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टेस क्रॉस जे, ये इसकी जगह लिखा जा सकता है डेल क्रॉस जे एक्स टेस एक्स माइनस एक्स टेस, यहां पर अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी ये प्रूव कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वलेंट होती है, तो ये अपन ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट फोर पाई, ठीक है, यहाँ लिखा जा सकता है डेल क्रॉस जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश, डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन द प्राइम कोऑर्डिनेट एक्स डैश, और डेल इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स डैश, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन है जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी एक्स, कॉन्स्टेंट था इसलिए क्रॉस में अपन भी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई को भी इधर ले गए। और बाय सॉर्ट लॉ को अपने इस टाइप के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो यहां से कई बार अपन को पूछा जाता है वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में स्केलर पोटेंशियल कंसिस्ट नहीं होता, वेक्टर पोटेंशियल कंसिस्ट होता है, जिसका कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्राइव बाय द स्केलर पोटेंशियल, बट मैग्नेटिक फील्ड इज बाय दिस अकॉर्डिंग टू बायो सावर्त लॉ इज नॉट हैव द स्केलर फंक्शन इंडक्शन, क्यों कि अपन यदि ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का लें तो यहां तो कर्ल किसी क्वांटिटी का कर्ल होता है बी, और कर्ल किसका होता है हमेशा वेक्टर का, इसके अंदर का कर्ल कंसिस्ट नहीं होता। तो यहां पर अपन इस टाइप को में एक एडिशनल कि अपने पास इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि v इज इक्वल टू डेल क्रॉस कोई a, जहां पर a कौन सी क्वांटिटी है ये, और a इज नॉन द
वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन, वेक्टर में है या जे, ध्यान रख लेना, जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी एक्स डैश, वेयर ए इज द डिफाइंड द मैग्नेटो वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, आपने यहाँ तक ड्राइव कर लिया, अपना टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन वन दे देता हूँ, इसी का अपन यूज करेंगे। तो मैंने एडिशन आपको वेक्टर पोटेंशियल हाइपोथेसिस बता दी। तो पहला, टेकिंग द डाइवर्जेंस इन बोथ आर साइड ऑफ इक्वेशन वन, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट बी, लेफ्ट साइड में डेल डॉट बी ले लिया, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, जो अपने पर्टिकुलर पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन है अपना, तो इस साइड में भी क्या जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस म्यू नॉट फोर पाई जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डी थ्री एक्स। चाहिए कोई क्वांटिटी हो, लेकिन वी नो डायवर्जेंस ऑफ कर्ल करल का मतलब होता है सर्कुलेशन, और डायवर्जेंस का मतलब होता है नेट फ्लक्स। तो यदि कोई फंक्शन कंप्लीटली सर्कुलेटेड है तो उसका नेट डायवर्जेंस इज ऑलवेज जीरो। ये अपनी वेक्टर आइडेंटिटी थ्योरम है कि कर डायवर्जेंस ऑफ करल इज ऑलवेज जीरो, तो बाय मीन्स इज जीरो इज नॉट द फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन, डायवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसका कोई फिजिकल मीनिंग भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायवर्जेंस जीरो होने का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोलेनोइडल, सोलेनोइडल का मतलब कंप्लीटली सर्कुलेटेड है, क्लोज लाइन ऑफ फोर्सेज के रूप में होगा। इसी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो एक सर्कुलर रूप में होगी, तो बाय मीन्स मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता, ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रहा है। एन एस सिरे को अपन नॉर्थ और पोल दोनों सिरे ही एग्जिस्ट होते हैं, चाहे कितने ही डिवाइजेशन कर लो किसी मैग्नेट के, ठीक है, क्योंकि इसका इंड्यूशन से करंट लूप माने, एक करंट लूप है, ऑल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट डाइपोल, बोथ आर पोल्स आर कंसिस्ट इन दिस लूप। कैसे, कि मान लो कि अपनों करंट आउटर साइड से इसकी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, लेकिन बैक साइड से देखे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगी, तो एंटी क्लॉक यहां फ्लक्स है वो क्या होगा, आउट टर्म होगा, लेकिन पीछे की साइड से देखें तो क्लॉकवाइज, मतलब यहां आउट है तो वहां इनकम होगा, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द मैग्नेट, बोथ आर पोल्स आर एग्जिस्ट इन पेयर इज द मैग्नेट डाइपोल, ऑल मेटल्स इज बिहेव द मैग्नेट डाइपोल बिहेविंग होती है, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं होता है। ये फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन कहलाता है, जिसको अपने बायो सॉफ्ट लॉ के जनरलाइज इक्वेशन के द्वारा प्रूव भी कर दिया। ठीक
ठीक है। सेकंड मैग्नेटो स्टैटिक इक्वेशन नोट करना चाहूँ, ये नोट कर लीजिए। दूसरा करेंगे टैकिंग, द कर्ल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन का दोनों तरफ कर्ल ले लो एक बार। तो देखो लेफ्ट साइड में तो क्या जाएगा, डेल क्रॉस बी, राइट साइड में डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी एक्स डैश डी क्यू। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर हों तीन, तो क्या करते हैं ए डॉट सी और बी बाहर ले लेते हैं, और एक बार था ए डॉट वी सी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ए डेल है बी डेल है और थर्ड क्वांटिटी को कॉट है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, मैं इसको लिख रहा हूँ इस वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ए डॉट सी ए टेल डॉट म्यू नोट फोर फाइव जी एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश। ओके, तो बाद में अपन हल ले लेंगे ब्रेक की, बीस मतलब डैश माइनस ए डॉट बी मतलब डेल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और डेल स्क्वायर अंदर अपने पास ब्रैकेट में आएगा म्यू नॉट फोर फाइव इंटीग्रेशन जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यू। दोनों में इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं और म्यू नॉट अपॉन फोर पाई भी कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में बचा डेल डॉट जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, और इसका क्या इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है, और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम था, और फिर इसके कंप्लीट के ऊपर डेल है, ठीक, दूसरा माइनस डेल स्क्वायर जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है डी एक्स थ्री डैश।
ठीक है। तो देखो जे एक्स डैश इज नॉट फंक्शन ऑफ डेल, अपन फर्स्ट इंटीग्रेशन को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में जे इज नॉट फंक्शन ऑफ डेल, जे तो बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, वो अपन एक मैग्नेटोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन इस टाइम को यूज किया था, इसका लाप्लासियन फॉर्म इक्वेशन से कि वी नो पहले सेकेंड टर्म इंटीग्रेट यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन जो कौन सा है, डेल डॉट जे एक्स डैस एक्स माइनस एक्स डैस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी बाउंड्री सरफेस पर, और जे एक्स डैस अपॉन एक्स माइनस एक्स डैस डी थ्री डी टू एक्स डैश, बाउंड्री टेंस टू इन्फिनिटी वेयर जे एट बाउंड्री जे एक्स डैश टेंस टू जीरो, then this integration at the infinity is bounded is zero. First integration term तो क्या हो गई, zero. Using the Gauss divergence theorem से first integration term को volume integration को पहले surface integration में convert कर लिया, और at boundary मतलब j current density है, तो current density यदि अपने पास magnetized medium की boundaries tends to infinity तो वेयर करंट डेंसिटी इज रिड्यूस, तो एट बाउंड्री करंट डेंसिटी जे इज रिड्यूस, देन एट इंफिनिटी मतलब क्लोज इंटीग्रेशन में एट बाउंड्री पर इंटीग्रेशन लिमिट डिपेंड करेगा, तो इस इंटीग्रेशन को अपन क्या कर सकते हैं, जीरो एज्यूम कर सकते हैं। अपने पास एक कंटिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस पर भी अपन इसको जीरो नोट कर सकते थे, यहां वैसे तो अपने पास एक डेल जे एक्स डेस इज नॉट फंक्शन ऑफ द एक्स, तो वैसे जीरो है, लेकिन x माइनस एक्स डैश फंक्शन रह गया, तो इस फंक्शन के लिए अपन पूरी क्लोज बाउंड्री के लिए, हाँ करंट डेंसिटी एक साइड में से मान लो ये है, इस साइड में करंट डेंसिटी जे ये है, तो इस साइड में इनकमिंग है, तो ओल टोटल बाउंड्री इंटीग्रेशन है ये, तो टोटल बाउंड्री कंडीशन जे एट बाउंड्री इज द जीरो। सेकेंड इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए वी नो डेल स्क्वायर वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश इजकल टू माइनस फोर पाई डेराक डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, ये अपन चार डिस्ट्रीब्यूशन की पॉल पॉइंट के लिए अपन डिफाइंड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन तक तो जीरो, सेकंड में मैं ये वैल्यू रख लूंगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट फोर पाई एग्जिस्ट है, अपने पास इधर लेफ्ट हैंड में डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश तो रहेगा ही,
ये डेल स्क्वायर में जे एक्स डैश तो बाहर ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह माइनस, तो फोर पाई जब माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर पाई लिख देता हूँ एक बार, फोर पाई डायराक डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश और डी थ्री एक्स प्लस। तो फोर पाई तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट ही रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन टेन जे डे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यू एक्स डैश। एक डिराक डेल्टा फंक्शन की शिफ्टिंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई फंक्शन इज द एफ एक्स डैश डिराक डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश और टी थ्री एक्स डैश हो, ये डेल एक्स अपन वन डायमेंशन में हो तो अपने पास एक्स डैश ही है, इजकल टू एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने भी इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है डिराक डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग म्यू नॉट जे ऑफ एक्स आ जाएगा, और इधर भी वैसे अपन डेल बी ऑफ एक्स है, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे इज नॉट द सेकंड मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन, इसको अपन कौन सा कहते हैं सेकेंड मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गए मैग्नेटोस्टैटिक्स के। अपन दिस फॉर्म इज नॉन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, दिस is non differential form of bio Savart law। तो कई बात है integration form इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ बायो सावर्त लॉ इज नॉट द एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ, एम्पियर का प्रतिपत्ति नियम, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का डेरिवेशन अपन इस बायो सावर्त का या डिफरेंशियल फॉर्म मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन को या अपन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बायो सावर्त लॉ को यूज करके करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन टू को सेकंड का क्या करें, अपन इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको। तो पहले टेकिंग द सरफेस इंटीग्रेशन बोथ आर साइड ऑफ इक्वेशन टू, इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या कर लो सरफेस इंटीग्रेशन लेते हैं, डेल क्रॉस बी, अब केवल ऐसे बी लिख दो अपन एन डी एस, एन यूनिट वेक्टर ऑन द सरफेस बाउंड्री या डी वेक्टर डी एस लिख दो, एक ही बात होगी
क्लोज सरफेस है अपना म्यू नॉट बाहर आ जाएगा जे डॉट एन डी एस ठीक है। एक तो अपन पास स्टॉक कार्ल थ्योरम यूजिंग स्टॉक कार्ल थ्योरम क्या होगी कुछ सरफेस इंटीग्रेशन है वेक्टर वी का तो उस बाउंड्री को बाउंड्री की सर्किल फ्रेम का क्लोज लूप पर उस बी के लाइन इंटीग्रेशन के इक्वल होता है कंटूर सी सी इज द कंटूर ऑन द बाउंड्री ऑफ डी एस और मैग्नेटिक फील्ड वी डॉट डी एल मतलब लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा अपने पास यहां देखो जे करंट डेंसिटी है करंट डेंसिटी को अपन लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करंट डेंसिटी जे की डेफिनेशन से क्या होता है कि करंट डेंसिटी जे देखो अपने पास वैसे जे इज इक्वल टू होता है सिंपल फॉर्मूले आई अपॉन ए तो मतलब अपन जे ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं मतलब टोटल करंट होती है तो जे का टोटल सरफेस इंटीग्रेशन उस बाउंड्री पर तो टोटल इनक्लोज करंट बाय द लूप कंट्रोल सी या अपन उस सरफेस पर टोटल करंट जो फ्लो हो रही है उसको बताते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी टोटल इनक्लोज्ड करंट बाय लूप सी ऑन बाउंड्री ऑफ एस एस जो अपने सरफेस लिया उसकी बाउंड्री ऑफ पर लूप सी से जे एन डी एस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज करंट आई ब्रा बाई सी तो इसका यहाँ पर यूज करें इसको क्या ले सकते हैं लेफ्ट साइड में बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई वेयर आई इज द इनक्लोज करंट बाय द क्लोज लूप सी और इज नॉन द सर्क्यूटल एम्पियर लॉ एम्पियर का परिपत्तीय नियम कहलाता है लेकिन आपको पता हो कि इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ को कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं माना गया इज वे इज नॉट फॉलो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज चार्ज कंजर्वेशन फॉलो माना ये चार्ज कंजर्वेशन फॉलो को फॉलो नहीं करती इसलिए इसमें क्या डिस्टेंस या क्या अपने पास लिमिटेशन थी कि इसमें केवल फ्री चार्ज कैरियर करंट डेंसिटी कंसिडर की गई है जबकि अपने पास यदि मीडियम के अंदर फील्ड वेरीज होता है तो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस और होती है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं तो मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड नॉट ओनली करंट इज कंडक्ट बाय द फ्री चार्ज कैरियर्स बट आल्सो बी कंडक्ट बाय द बॉन्ड चार्जेस दिस इज नॉन दैट डिस्प्लेसमेंट करंट एज ए एग्जाम्पल ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है
not conduct by both are plate, but AC current is flow for the capacitor. So this current is induced by time varying field, electric field, is not the displacement current. ये आ गया अपने पास एम्पियर लॉ फॉर, ठीक है। तो अपने पास एक मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन भी, कभी सॉल्यूशन के लिए अपने वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटोस्टैटिक, तो मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन वो डिफरेंशियल फॉर्म में दें, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन, लाप्लास या पोजीशन इक्वेशन, तो मैग्नेटोस्टैटिक पोजीशन इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। तो मतलब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटो स्टैटिक्स पोजीशन इक्वेशन। तो देखो पहले अपन कहां से स्टार्ट किया, अभी मैंने एक में कि वी नो क्या होता है, बायो सावर्त लॉ, द वी इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश x माइनस एक्स डैश डी थ्री एच डैश। तो देखो अपने पास वेक्टर फेनोमेना के बेसिस पर दिस क्वांटिटी इज नॉट द वेक्टर पोटेंशियल, और b इज द रिप्रेजेंट बाय डेल क्रॉस a, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी वेक्टर का कर्ल होता है, उस वेक्टर को उसका मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, और जहां वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू ये जो सर्किल में गिवन है वो है। तो पोजीशन इक्वेशन कैसे करेंगे, मिल भी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया डेल क्रॉस a, टेकिंग द करल बोथ आर साइड, इस इक्वेशन का अपन करल लेते हैं आगे, तो डेल क्रॉस b बराबर डेल क्रॉस a, ठीक, यहाँ b वेक्टर है a वेक्टर है, ये इक्वेशन इसकी वैल्यू तो अपने पास है क्या म्यू नॉट j, और यहां a क्रॉस b क्रॉस c से डेल डॉट a डेल माइनस डेल डॉट डेल मतलब डेल स्क्वायर a, a इज द सोर्स सोलेनोइडल, सो इट्स डाइवर्जेंस इज द जीरो, वी चूज एज सच कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेक टू जीरो, गेज अपन कुलाम गेज के रूप में भी अपन ट्रांसमिट करते हैं, कि चूज डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब डायवर्जेंस और बी इज ऑलवेज जीरो, तो सोर्स शुड बी सोलेनोइडल। तो इसके बेसिस पर अपने पास डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस म्यू नॉट जी, और इज नॉन द मैग्नेटोस्टैटिक पोजीशन इक्वेशन, जिस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता ही है डेल स्क्वायर फाइव बराबर रो फोन एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नेटोस्टैटिक पोजीशन इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन ही क्या आता है फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश
अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश। तो एज सिमिलरली वो मैग्नेटोस्टैटिक पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या होगा कि जे इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू वेक्टर में है तो माइनस म्यू नॉट जो इसके मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट नीचे था अपॉन फोर फाइव इंटीग्रेशन जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश ने माइनस तो दोनों में ही है यहाँ नेगेटिव या नेगेटिव तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ही आएगा डी थ्री एक्स। ये हो गया अपने पास मैग्नेटोस्टैटिक पॉइसन इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। अब आगे पढ़ेंगे इस बायो सावर्त एम्पियर लॉ के एप्लीकेशंस, कुछ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ट्वेल्थ लेवल तक भी। यहाँ पर लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन कि अपने पास एक लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि फाइनाइट कंसेंट्रेट रीजन के अंदर जो अपन स्टडी के लिए यूज करते हैं वहाँ पर करंट एग्जिस्ट है, और यदि करंट डिस्ट्रीब्यूज एट द ऑल दर इन यूनिवर्स, मतलब इन एट द फार अवे फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन तक है, तो वो अपने लिए अनलोकलाइज्ड होती है। तो आप टॉपिक डाल लो एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्त लॉ। एक बार जनरल एप्लीकेशन कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो अपन पहले कर चुके हैं, इसका एप्लीकेशन से एक सोलेनोइडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, एक सर्कुलर रूप या स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो अपना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट करंट कैरिंग वायर। स्टेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें कोई फाइनाइट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और उस करंट कैरिंग वायर के नियर किसी पॉइंट पर अपन
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और क्या यूज करेंगे, बायो सॉफ्ट लॉ, जिसका प्रैक्टिस अपन पहले बीएससी लेवल तक भी काफी कर चुके हैं, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में भी अपन करते हैं। इसके बाद में अपने एक लोकलाइज सर्कुलर करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं एक लॉन्ग करंट है, डॉट डॉट का मतलब है लेंथ इज वेल लार्ज, इन विच करंट आई फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है सीरीज में, हर पॉइंट पर करंट सेम होती है। एक पॉइंट ले लिया पी, इफ नॉर्मली फ्रॉम द वायर एट डिस्टेंस ए पर है, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट लेंथ का होगा तो अपने पास कुछ ट्राइंगल फॉर्मूले से लेंथ के टर्म में अपन फॉर्मूला निकाल लेंगे, लेकिन अपन लॉन्ग स्ट्रेट करंट लॉन्ग स्ट्रेट ले लेते हैं अपन, तो इससे अपने पास इसका जो लॉन्ग इनफाइनाइट है, जो एंगल है वो क्रिएटेशन अपन 90 एंगल पर इनफाइनाइट लेंथ के लिए ले लेते हैं, लेकिन एक फाइनाइट लेंथ के लिए लेंगे तो अपन एक ट्राइंगल फॉर्मेशन से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अपने पास इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अपन पहले से इस वायर का कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉइंट पी को ऊपर की ओर ले लूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ जो इसकी नॉर्मल कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, वो ओ पॉइंट हो गया, मतलब उस वायर का जो अपने पास में एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेता है आई डी एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट या परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, पी पॉइंट है कि इसे एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट ले लिया, इसमें करंट आई तो उस एलिमेंट को आई डी एक्स हो गया। इससे डिस्टेंस है वो अपना आर मान लेते हैं, ये एंगल है वो अपना थीटा है, और इस एंगल को अपन बीटा मान लेते हैं। पहले अपन स्मॉल एलिमेंट्स के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करके कंप्लीट वायर के लिए इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड लॉ थम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू करंट थम अलोंग तो राउंडिंग ऑफ फिगर मतलब क्रॉस डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनसाइड होगी इस पॉइंट पी पर, डायरेक्शन अपन नोट कर लें, ठीक है। तो यूजिंग बायो सावर्त लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट आई डी एक्स, केवल अपन आई डी एक्स एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डी बी स्मॉल एलिमेंट क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा।